ये धागा है प्यार का, ये धागा है दुलार का, ये धागा है दुलार का, इस धागे से बंधी हुई है मन मधुबन की गलियां, बंधा डाल से फूल फूल से बंधी हुई है कलियां। ये धागा है प्यार का, ये धागा है दुलार का, कहाँ से आता है ये धागा पता नहीं, जाने अंत कहाँ होगा इसका भी पता नहीं, काले दिल के जहर को पीता चलता है, टूटे दिल के घाव को सीता चलता है, स्नेह भरे संसार का ये धागा है प्यार का, ये धागा है दुलार का, इस धागे से बंधी हुई है मन मधुबन की गलियां, बंधा डाल से फूल फूल से बंधी हुई है कलियां। ये धागा है प्यार का, ये धागा है दुलार का, कोमल कोमल कलियां फिर के झूम रहे हैं फूल, लो गुलाल बन कर उड़ती है इस धरती की धूल, इस धरती की धूल, बड़ा मधुर है प्यार के इस धागे का बंधन, इसमें बंद कर नाच रहे हैं छोटे बड़े सभी मन, फूल कली के हार का ये धागा है प्यार का, ये धागा है दुलार का, इस धागे से बंधी हुई है मन मधुबन की गलियां, बंधा डाल से फूल फूल से बंधी हुई है कलियां, ये धागा है प्यार का। मुन्नू दादा, कल से छुट्टी, स्कूल बंद। अच्छा हुआ पला छुट्टी। मतलब मंगलू दादा, हम आपको इतना सताते हैं? नहीं तो दिमाग खाते हो। ऐसा मत कहो मंगलू दादा, अगर हमने सताया तो कौन सताएगा, हम आकर बच्चे जो ठहरे। राम 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 राम। Thank you.
हेयर वेयर भी होंगे। आखिर के चार दिन बच्चों की आधी टिकट 50 नए पैसे। ए तो जा कहाँ है ये लोग? क्यों चिल्लाते हो जंगली की तरह? चलो भागो यहाँ से, नहीं तो टांग तोड़ दूंगा एक एक की। चाचा, ओ आ गई मेरी बंदर सेना। चाचा छोटू की कमीज फट गई। अरे ये कैसे फट गई रे? वो है ना सूट। छी छी छी, गाली नहीं देनी चाहिए बेटा, मगर कमीज किसने फाड़ दी ये तो बताएगा। प्रताप ने। प्रताप? अच्छा सुरजीत का बेटा, समझा। ला दे सिए देता हूँ। एक बार प्रताप की अच्छी चटनी बनाएंगे। अरे चटनी बनाने वाले पहले कमीज तो उतार। वाह वाह क्या पहलवान है। अभी तो छोटा हूँ, बड़ा हो जाऊंगा तो। ऐसा पहलवान बनूंगा। वाह वाह शाबाश। अच्छा हम सब लोग सर्कस देखने वाले हैं, तुम भी चलोगे? अरे मैं क्या अभी तुम लोगों जैसा बच्चा हूँ जो सर्कस देखूं? तो सर्कस क्या बच्चे ही देखते हैं, बड़े लोग भी तो देखते हैं, है ना जगन? हाँ चाचा, आज से हमारे स्कूल की छुट्टी हो गई, चलो ना हम लोगों के साथ सर्कस देखने। ये आखिरी 3-4 दिन है चाचा। ऐसा तो जरूर देखेंगे। देखेंगे नहीं चाचा, चलना ही पड़ेगा, कसम से बोलो। हाँ कसम खा लो चाचा। कसम से लो पहलवान, पहन लो और जाओ अपने घर। अरे कुछ भूख उख नहीं लगी तुम्हें? चाचा तुम्हें एक बात भूल गए। वो कौन सी? हाँ चाचा याद नहीं तुमने क्या कहा था? अरे भाई क्या क्या कहा था मैंने? कि स्कूल की छुट्टी होगी तो तुम। हाँ मुझे मालूम है चाचा, कहाँ है? अरे क्या कहाँ है, ये क्या लगा रखा है तुम लोगों ने? दगेन। दगेन? हाँ गणेश का गो, उसमें एक ही मात्रा गे, उस पर बिंदु गे, और दर्जी चाचा का दो गेंद। अच्छा गेंद, अगर इसी तरह पाठ भी याद किया करो तुम लोग तो पहला नंबर आओगे। अच्छा बोलो किसे चाहिए ये गेंद? चाचा मुझे।
नहीं नहीं जगन को दे दो। अच्छा जगन को देता हूँ, मगर ये गेंद लेकर फौरन यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ, मुझे सुई धागा लेने दलपतपुर जाना है। क्या है रे प्रताप? कुछ नहीं पिताजी, हमने जगन की गेंद छीन ली है। अच्छा खेलो खेलो, मजे में खेलो। ए, चलो नदी किनारे जाएंगे, उनके सामने खेलेंगे। हाँ चलो जाएंगे। तुम बच्चे हो या शैतान? ए तर्जी चुप रह। ए और चाचा को क्या कहता है? अच्छा बेटा देखना, अभी जाके पिताजी से कहता हूँ। नहीं बेटा चुप रहो, बेटा मिल जाएगी तुम्हारी गेंद, कहाँ जाती है देखते हैं कैसे नहीं मिलती। को पता लग गया गेंद हमारे पास है, वो किसी तरह ले लेगा हमसे। चलो इसे किसी जगह छुपा देंगे। अरे छिपाना क्या, किसी घर की छत पर फेंक देंगे। नहीं किसी कंटीली झाड़ी में डाल देंगे। सबसे अच्छा नदी में फेंक देंगे। हाँ चलो। नहीं मैं बताऊँ, कहीं गड्ढा खोद कर गाड़ देंगे इसे, किसी को पता भी नहीं लगेगा। हाँ चलो ये जगह अच्छी है। इस पेड़ के नीचे गाड़ देंगे। नहीं यहाँ किसी को शक आएगा। फिर कहाँ गाड़े? ये जगह अच्छी है, यहाँ पर एक पत्थर ले जा। देख कोई देख तो नहीं रहा है? कोई नहीं।
हरे कृष्ण 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 राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हे भगवान तू सबको सुखी रख सबका भला कर क्यों रे तू हंसता क्यों है चाचा तुम भगवान से बात करते हो हाँ वो भी तुमसे बात करता है क्यों नहीं भगवान सब सुनता है तुम्हारी चाचा हाँ बेटा वो सब सुनता है सब देखता है तो फिर प्रताप ने जो हमारी गेंद चुराई वो भी भगवान ने देख लिया हाँ और जगन ने प्रताप को चाटा मारा वो भी देखा भगवान ने तो फिर क्यों प्रताप ने मेरी छेड़ की थी अरे वो नादान है तो क्या उसके साथ तू भी नादान बनेगा चाचा क्या भगवान से जो भी मांगो देता है हाँ तुझे क्या चाहिए कोई ऐसी चीज याद करती हूँ मैं भी मांगने वाला हूँ तू क्या मांगने वाला है तुझे क्या करना है ये क्या कर रहे हो तुम लोग भगवान ये सब कुछ देख रहा है
देखा, दे दी ना भगवान ने गेंद। हाँ, गेंद तो मोती ले आया, मोती क्या भगवान है? हाँ बेटा, मोती भी भगवान है। तू, ये जगन, चक्रु, मुन्नी, कमल सब में भगवान है। दुनिया में जहाँ जहाँ नेकी है वही भगवान है। क्या तुम लोगों ने हमारी सरकस देखी है या नहीं? नहीं, अभी तक नहीं देखी। अरे तो फिर जल्दी देख लो, हमारी सरकस अब दो तीन दिन ही ठहरेगी। बाबा, अब बहुत काम में है ना? कहिए, क्या हुकुम? बोल बोल। ये देखिए, एक गुरुजी ने एक लड़के को इम्तिहान में 80 में से सिर्फ 6 मार्क दिए। लड़के ने पूछा, क्यों इतने कम क्यों? गुरुजी ने कहा, तेरी खोपड़ी ऐसी है। शाबाश, चल अब निकल जा यहाँ से। और एक सवाल है छोटू को, 50 नए पैसे चाहिए, किस लिए? इसका उत्तर दीजिए। अब मुझे क्या मालूम तुझे पैसे क्यों चाहिए? स्लेट खोल कर देखिए, उत्तर मिलेगा। हट, नटखट कहीं का, ला वो कोट ला मेरा। ले, अब हो गया, अब मैं काम करूं? हाँ हाँ, सिर्फ 8 आने टिकट है चाचा, 50 नए पैसे। अरे बच्चों की 8 आने टिकट है, लेकिन बड़ों की तो पूरे 16 आने होगी। लेकिन तुम्हें चलना ही पड़ेगा चाचा। अरे बाबा सर ना खाओ, बोलो कब चलना है? अभी 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 तो मैं नहीं चल सकता, देख कितना काम पड़ा है। तो चाचा, अपना काम भगवान से करने को कह दो ना। चाचा मेरे पास एक आना है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, बस, और 15 आने चाहिए। तुम नहीं चलोगे चाचा तो हम भी नहीं जाएंगे। तुमने कभी सर्कस देखी है? नहीं तो? तब तो तुम्हें जरूर देखने चाहिए चाचा। अरे रे, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? मैं सर्कस देखने नहीं जा सकता भाई। क्यों नहीं जा सकते? अरे बाबा, मेरे सर पर 50 रुपए का कर्ज चढ़ा है सुरजीत का। जितनी देर में मैं सर्कस देखूंगा उतनी देर में तो रुपए 2 रुपए की सिलाई कर लूंगा, जिससे कर्ज का बोझ हल्का होगा। सर्कस देखने में तो पास का भी 1 रुपया चला जाएगा। जाओ तुम लोग देखो, मुझे कल बताना छोटू क्या क्या देखा। हाँ Thank you.
हो गया है तैयार, अभी 5 मिनट में दिए देता हूँ। नहीं अभी जाइए। हाँ हाँ, मगर ये बटन तो लग जाने दो। तो फिर सिलाई छोड़कर बच्चों से क्यों खेलता है? अच्छा, अब तू भी बातें सुनाने लगा। ठीक है, बापे पूत प्रापत घोड़ा, कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा। ज्यादा बात मत कर, ला गुटका दे। जा नहीं देता। अच्छा ये बात है? क्या है रे प्रताप, ये ले गुटका अब तक। बाबा ये कहता है जा मैं नहीं देता। क्यों रे दर्जी इतना गुरूर, क्यों बे कान फूट गए तेरे? इतने गर्म क्यों हो रहे हैं, आप ही का कपड़ा तो। बस 5 मिनट और लगेंगे, आप प्रताप को भेज दीजिए, मैं कुर्ता दिए देता हूँ। क्या प्रताप तेरा नौकर है? मेरे पैसे खाकर ऊपर से मुझौरी करता है। और मुफ्त में जो कपड़े सिलवा कर ले गए हैं उनका भी हिसाब लगा लीजिए, मुश्किल से कुछ पैसे निकलेंगे मेरे ऊपर आपके। अच्छा, किसी को तेरी मुफ्त सिलाई नहीं चाहिए, चल कर इस वक्त अपना हिसाब। कह तो दिया अगले महीने में अदा कर दूंगा जो कुछ मेरे ऊपर निकलता है, क्यों खामखा शोर करके दुकान सर पर उठा रहे हो? अबे बूढ़े, क्या समझता है तू अपने आप को? ये मेरी जगह है, मैं इसका मालिक हूँ, बाकी का किराया भी चाहिए मुझे। कह तो दिया अगले महीने में दे दूंगा। नहीं नहीं, मैं 1 महीना नहीं ठहर सकता, बचा हुआ सब किराया मुझे एक साथ चाहिए। 1 हफ्ते के अंदर किराए के बाकी 50 रुपए नहीं दिए तो दुकान पर कुर्की ले आऊंगा। कुर्की क्या होती है? क्या कुर्की? कुर्की? हाँ, प्रताप के बाबा दर्जी चाचा की दुकान पर कुर्की लाने वाले हैं। क्यों? मुझे नहीं मालूम, पर वो कह रहे थे 50 रुपए दे दो नहीं तो कुर्की लाऊंगा। शैतान कहेगा। लेकिन माँ, कुर्की है ना क्या? यानी चाचा की दुकान का सब सामान ले जाकर बेच डालेंगे। फिर चाचा कहाँ जाएंगे माँ? जाएगा बेचारा कहीं भी। नहीं नहीं माँ, हम लोग उन्हें कहीं नहीं जाने देंगे। जगन भैया, जगन भैया। क्या है छोटू? जगन भैया, मेरी माँ कहती थी चाचा का सामान प्रताप के बाबा बेच डालेंगे, फिर चाचा अपनी गली छोड़कर चले जाएंगे। नहीं तो हम अपने चाचा को कहीं नहीं जाने देंगे। जगन भैया, हम चाचा के कर्ज के पैसे नहीं दे सकते। कैसे दे सकते? पूरे 50 रुपए है मालूम है। हम लोग क्यों ना एक सर्कस करें? हाँ वाकई सर्कस करेंगे। और जगन भैया, तू हमारी सर्कस का रिंग मास्टर बनेगा। अच्छा अच्छा। और हम अपनी सर्कस की टिकट रखेंगे एक एक आना। लेकिन देखो, हम लोग चाचा का कर्जा चुकाने के लिए सर्कस कर रहे हैं, इसका किसी को पता नहीं लगना चाहिए, खास तौर से चाचा को। हाँ, हाँ। अच्छा बोलो बजरंग बली की। साथियों, आज की इस शुभ मुहूर्त पर हमारी बाल हनुमान सर्कस की स्थापना हो रही है। हमारी बच्चों की इस सर्कस का पहला खेल जल्द ही हमारे चाचा के भव्य आंगन में होगा। हमारे सर्कस वाले, ए ये क्या कर रहे हो? देखते नहीं जहाँ हमारी सभा हो रही है? चलो नीचे उतरो। तू कौन होता है हमें नीचे उतारने वाला? ये पेड़ हमारा है। अच्छा तो वहीं बैठे रहो। हमारी इस सर्कस में, हमारी इस सर्कस में, देखो प्रताप याद रखो ये कोई मजाक नहीं, हमारी यहाँ सभा हो रही है। तो हमारी भी यहाँ सभा हो रही है। सभा हो रही है, पेड़ के ऊपर तो बंदरों की सभा हो गया है। हाय बंदर, 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 तुम्हारी सर्कस। ऐसे कहने वाले बहुत होते हैं, सर्कस होगी और जरूर होगी, और जब होगी तो देखने आना, समझा? बोलो बजरंग बली की जय। चल और घुमा 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 और घुमा घुमा। शाबाश।
शाबाश मेरे बच्चों, शाबाश शाबाश, आजा 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 आजा। अरे हाँ, तुम लोग अपनी सर्कस कहाँ करोगे? इस बाजू चाचा। इस बाजू? अच्छा, तो देखने वाले इधर बैठेंगे। सर्कस की टिकट क्या है? एक एक आना। हमें मुफ्त पास चाहिए। मुफ्त क्यों? ये जगह हमारी है। नहीं, ये तो चाचा की जगह है। तुम्हारे चाचा को तो मेरे बाबा यहाँ से निकाल देने वाले हैं। फिर कैसे होगी तुम्हारी सर्कस? हम सर्कस करेंगे 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 करेंगे। अच्छा, तो मैं भी देखता हूँ कैसी सर्कस करते हो तुम लोग। ऐसा मजा चखाता हूँ तुम्हें और तुम्हारे चाचा को कि बस। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। चल छोटू। अच्छा लगता है। ए, हमेशा के लिए ऐसा ही रखेंगे चाचा का आंगन। हो बेटा, बहुत भीग गए हो, अब घर जाओ। कल आएगा तेरा सवेरा।
दुख दोनों बाटे, जितने फूल और कलियां हैं उतने ही हैं कांटे। मन रे मकरो कल आएगा तेरा सवेरा, मन रे मकरो कल आएगा तेरा सवेरा। सर्कस पानी में भीग गई तो कोई बात नहीं, हम रोते नहीं बैठेंगे, सर्कस करेंगे। हाँ हाँ, जगन को भी बता देंगे हम। हाँ, और मैं दर्जी चाचा को बोल दूंगा कल। हाँ चलो। चाचा चाचा उठो ना, सुबह हो गई, दुकान नहीं खोलेगा आज। राधे श्याम। क्या हो गया चाचा? अरे तुम्हें तो बुखार है। बदन टूट रहा है, सर फटा जा रहा है बेटा। मैं अब भी आता हूँ। जनिया कितनी है? थोड़ी सी। थोड़ी सी इनमें से भी बना लेंगे। जगन भैया, अपने दर्जी चाचा को बुखार आया है। अच्छा। चलो देखें। जगन, मैं घर से काफी ले आता हूँ, उनको गरम गरम काफी पिलाएंगे। अच्छा। बुखार आ गया है तुम्हें चाचा? कल रात भीग गए थे ना। छोटू जा, जरा जाकर डॉक्टर साहब को बुला ला। हाँ मुन्नी, अच्छा हुआ तू आई, चाचा जी को बुखार आया है। हाँ? अरे तू वहाँ क्या ढूंढ रहा है? कॉफी इधर है नमा, मुझे थोड़ी सी चाहिए। क्यों, तुझे क्या करना है कॉफी से? अपनी दर्जी चाचा बीमार है, उनके लिए। अच्छा ये ले। माँ, कमला अपने घर से दूध ला रहे, ये हो गई कॉफी, और भी कुछ होता है ना? शक्कर नहीं चाहिए, बिना शक्कर बनाओगे? शक्कर बिना कहाँ, थोड़ी शक्कर भी इसी में डाल देना। नटखट कहेगा। अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग? कुछ नहीं चाचा। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। क्या है छोटू,
अरे कैसे लग गई ये चोट? नहीं नहीं, मैं इसलिए नहीं आया हूँ। ये छोड़ दीजिए डॉक्टर साहब, दर्जी चाचा को बुखार आया है, मैं आपको बुलाने के लिए आया हूँ। हाँ हाँ, चलता हूँ तेरे दर्जी चाचा के पास, लेकिन पहले तुझे तो देख लूँ। ना ना डॉक्टर साहब, देर मत लगाइए, जल्दी चलिए ना। कितना बुखार है तेरे दर्जी चाचा को? बहुत है, जल्दी चलिए ना। हाँ हाँ, इसमें काहे की देर है, ये हो गया। लो चाचा, ये गरम गरम कॉफी पी। अरे ये कॉफी कहाँ से ले आए तुम लोग? हमने यही बनाई है चाचा। अच्छा, शाबाश। कॉफी तो बड़ी अच्छी बनाई है बेटी। कौन? डॉक्टर साहब? अच्छा, आपको भी बुला लाए ये लोग? क्यों, क्या हो गया चाचा? कुछ नहीं, यूं ही सब बुखार आ गया है। इन बच्चों ने खामखां आपको तकलीफ दी डॉक्टर साहब। रात जरा सी ठंड लग गई थी, जिससे बदन का जोर जोर दर्द कर रहा है। हरी ओम। थोड़ा सा बुखार है, खैर घबराने की कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब, आप चाचा जी को इंजेक्शन तो नहीं दोगे ना? क्यों नहीं? तो डॉक्टर साहब, चाचा जी को क्या हुआ है? कुछ नहीं, जरा सर्दी लग गई है, मैं अभी दवा भिजवा देता हूँ। शुक्रिया। चलो मेरे साथ, कौन आएगा? मैं आता हूँ, चल जकू। आप अच्छे हो जाएंगे, फिक्र मत करो। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, चाचा कब तक अच्छे हो जाएंगे? दो चार दिन में ठीक हो जाएंगे ना। क्यों? दो चार दिन में हम बच्चों की सर्कस होने वाली है। अच्छा, आपको भी आना होगा डॉक्टर साहब सर्कस देखने। हाँ जरूर आऊंगा। वाह बेटा बंसी वाह, तू तो बिल्कुल जोकरों का बादशाह मालूम होने लगा। वाह
हम बच्चों का बैंड बजे आज शाम को 7 बजे हम बच्चों का बैंड बजे वक्त पे आना भैया टिकट कटाना भैया वक्त पे आना टिकट कटाना एक एक आना बस हमारा सस्ता है सर्कस नाचता हंसता है सर्कस दिलों में बसता है सर्कस आज शाम को 7 बजे हंसता है सर्कस दिलों में बसता है सर्कस आज शाम को 7 बजे देखो 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 उधर देखो इधर देखो उसको देखो मुझको देखो देखना बाबू बकरी का बच्चा शेर से नहीं डरेगा देखना बाबू बकरी का बच्चा शेर से नहीं डरेगा हाथी ढोल बजाएगा और बंदर नाच करेगा दिमक दिम दिमक दिमक दिम दिम दिमक दिम दिमक दिमक दिम दिम अंधेरा हो जाता है बहुत देर होगी 5 बजे क्यों ना सर्कस करें हाँ हाँ ठीक है तो ऐसा करेंगे जहाँ भी 7 लिखा है उसे 5 बना देंगे हाँ हाँ चलो हमारी बाल हनुमान सर्कस की तरफ से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं मुझे विश्वास है कि हम छोटे कलाकार ये जो सर्कस आपके सामने पेश करेंगे वह आपको जरूर पसंद आएगी क्योंकि इसमें कई कमाल की चीजें हैं और कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो आपने कभी किसी सर्कस में नहीं देखी होंगी तो अब मैं इन बातों में आपका बहुमूल्य समय जाया नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग हमारी सर्कस देखने के लिए बहुत अधीर हो रहे होंगे और हमारे बाल कलाकार
तथा वाघ शेर चीता आदि जानवर भी अपनी कमाल दिखाने के लिए बहुत अधीर हो रहे होंगे। सर्कस में सिर्फ इंसान ही कमाल नहीं दिखाएंगे बल्कि जानवर भी अपनी कमाल दिखाएंगे। सबसे पहला सबूत हमारा मशहूर कुत्ता मोती पेश करेगा। जानवरों के खेल देखे,
ऐसे नंबर तो आपको हर सर्कस में मिलते होंगे, लेकिन अब जो नंबर हम पेश करेंगे वो आपने दुनिया की किसी सर्कस में नहीं देखा होगा। जी की बुला रहे। अच्छा मशीन न ले जाओ। देखता क्या है, उठा ले मशीन। नहीं नहीं सुरजीत जी, आप मुझसे मेरी रोजी न छीनिए, ये मेरी रोटी का सहारा है। जरा इंसानियत से काम लीजिए। देखिए अपनी इंसानियत आप अपने पास रखिए। चल उठा मशीन। हाँ हाँ जरा धीरज से, धीरज से। सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस, इक्कीस, बाईस, तेईस, चाचा की दुकान का सामान बाहर निकाल रहे। अच्छा सुरजीत ही निकाल रहा होगा। चक्रू अपने कुल कितने रुपए होते हैं? 47 रुपए। अच्छा मेरे खर्चे के रुपए में से ये 3 रुपए डाल देते हैं, पूरे 50 है ना? हाँ। चलो चाचा को दे देंगे। मुन्नी सुरजीत ही है ना? चक्रू चक्रू Thank you.
क्या हुआ बेटी? छोटू जगन मगर सब बंद पड़े। कहाँ? नदी किनारे के घंटों में। वहाँ किसने बंद कर दिया बेटी? प्रताप और उसके चाचा ने। जल्दी चलिए ना चाचा। हाँ चलता हूँ, आपको जो करना हो कीजिए, मैं जरा जाकर आता हूँ। चलो बेटी। किराए के पैसे तू कहां से ले आए? किसने दिए? हम को इससे क्या, आम खाने से मतलब है पेड़ गिनने से? हमें हमारे पैसे मिल गए, बात खत्म। क्या होगा बुड्ढे ने कहीं से इंतजाम? अच्छी तरह गिनकर ले लो अपने रुपए, 50 ही निकलते हैं ना। हाँ हाँ गिनकर ही लूंगा, बगैर गिने कैसे रख लूंगा? मुफ्त का माल थोड़ी ही है, ये मेरे किराए के रुपए है। तो ले लो ना, इसीलिए तो दे रहा हूँ। जगन, सुरजीत कहाँ है? चाचा क्या हुआ, क्या बात है? आपने ये मशीन अभी तक? अब इसकी कोई जरूरत नहीं,
तुमने मेरे रुपए जो दे दिए? मैंने आपके रुपए दे दिए? हाँ, ये रहे, तुमने अभी भिजवाया ना जगन के हाथ से? जगन के हाथ से? नहीं तो, मैंने कोई रुपए नहीं भिजवाए। क्यों जगन, क्या बात है बेटा, कहाँ से लाए तुम ये रुपए? अरे कहीं ये तुम्हारी सर्कस की टिकट के रुपए तो नहीं है जो तुमने सुरजीत को दिए? नहीं नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। ये तुमने क्या किया बेटा? आप मेहरबानी करके ये रुपए बच्चों को लौटा दीजिए। मैं इन बच्चों की मेहनत और लगन की कमाई हरगिज नहीं ले सकता। लेकिन चाचा, ये पैसे तो आपके हैं, आप ही तो हमारे सर्कस के प्रोप्राइटर हैं। हाय चाचा, ये देखिए लिखा है प्रो दर्जी चाचा। फिर ये रुपए आप ही के हैं चाचा, आपने हमारी कितनी मदद की। चाचा, तुम हमारी मदद नहीं करते तो हमारी सर्कस ही नहीं होती। नहीं बच्चों, सर्कस तुम्हारी है, तुम ही सबने मिलजुल कर इसे किया है। मैंने क्या किया, ये सब तुम्हारी लगन तुम्हारी मेहनत की कमाई है। मैं ये नहीं ले सकता। आप लौटा दीजिए ये रुपए इन बच्चों को, मैं आपका कर्जदार हूँ, ये बच्चे नहीं। मैं दे दूंगा आपके रुपए, मैं दे दूंगा आपके रुपए। नहीं चाचा, ये रुपए आपके हैं। हाँ चाचा, तुम्हारे हैं। हाँ चाचा। छोटू, नहीं बेटा, ये मैं नहीं ले सकता, मैं नहीं लूंगा। मैं अपने बच्चों के खिलौने की कीमत नहीं ले सकता। तुम लोगों का इतना बड़ा दिल है, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। तुम खुश रहो, बस यही मेरे लिए काफी है। बस बस, ये लो अपने रुपए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये लो जगन, अब मेरा तुम पर कोई कर्ज नहीं, जितना है उससे ज्यादा कि तुमने कपड़े सी दिए हैं। नहीं, मैं आपका कर्ज अदा कर दूंगा सुरजीत जी, मैं आपका पैसा पैसा अदा कर दूंगा। नहीं, अब कोई कर्ज बाकी नहीं रहा। जाओ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है वो रकम। पिताजी, दर्जी चाचा से कहिए कि वो मुझे भी माफ कर दे, क्योंकि मैंने हमेशा इनका खेल बिगाड़ा है, इन्हें तंग किया है, और मैंने ही जगन की पार्टी को खंडर में बंद किया था। शैतान बदमाश कहीं का, शर्म नहीं आती तुझे मुझसे कहते हुए? नहीं नहीं, जाने दीजिए, आप बच्चों के स्वभाव को नहीं जानते। ये सब बड़े अच्छे बच्चे हैं, बड़े होनहार हैं। अब मैं कभी कोई बुरा काम नहीं करूंगा चाचा। तो अब हम इन रुपयों का क्या करें चाचा? अपने गुरुजी को दे दो, वो तुम्हारे पैसे किसी अच्छे काम में लगा देंगे बेटा। लीजिए गुरुजी। ठीक है बच्चों, ये रकम ऐसे ही किसी अच्छे काम में लगाई जाएगी। चाचा जी, यूं तो मैं हमेशा बच्चों को कुछ न कुछ सिखाता रहता हूँ, लेकिन आज आपने मुझे सीखने का मौका दिया। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुजी? मैं तो एक गरीब सीधा साधा अनाड़ी आदमी हूँ। हाँ, एक बात जरूर है कि मुझे ये बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, और शायद इनको मैं भी। ये धागा है प्यार का, ये धागा है दुलार का, इस धागे से बंधी हुई है मन मधुबन की गलियां। बंधा डाल से फूल, फूल से बंधी हुई है कलियां, ये धागा है प्यार का।